हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स रूम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन, जिसका फाइनल एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, एट व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। सो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बॉल है जो 20 मीटर की हाइट से नीचे गिर रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन, हमें गिवन है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, एंड एट व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि किस टाइम पर वो ग्राउंड पर आकर गिरेगी। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका, गिवन चीजें लिख लेते हैं एंड फाइंड आउट क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो एक बॉल है जो ड्रॉप करी जा रही है किसी हाइट से, तो इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं उसको इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है, इसको भी आप लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और आपको पता होना चाहिए जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, एंड यहाँ पर गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो हमें यहाँ पर गिवन है वो है डिस्टेंस ट्रेवल, इट मीन्स हाइट, जो कि मीटर में दे रखी है। लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल स्मॉल एस इज इक्वल टू 20 मीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, एंड टाइम भी हमें फाइंड आउट करना है, टाइम टी। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एस गिवन है, यू गिवन है, ए गिवन है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। लिख देते हैं अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v square minus u square is equal to 2a। क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको v फाइंड आउट करना है, एंड u आपको गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, a आपको गिवन है, s आपको गिवन है, तो वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो v square minus u square की वैल्यू 0 square equal to 2 into a की वैल्यू 10 एंड s की वैल्यू 20 मीटर। तो v square minus 0 is equal to 2 into 10 हो जाएगा 20, 20 into 20 that is equal to 400। तो यहाँ पर आ गया v square is equal to 400, and v आप निकाल सकते हैं यहाँ से 20 meter per second। अब next हमें यहाँ पर क्या find out करना है, time। तो time अब हम देखते हैं कौन सी equation apply कर सकते हैं। तो apply या तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज उसके अंदर टाइम आता है, या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर टाइम आता है। सो अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी हैव वी इज इक्वल टू यू प्लस ए। अब क्या करेंगे, टाइम को फाइंड आउट करना है, देन यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट वैल्यूज, वी हैव v की वैल्यू हमने भी फाइंड आउट कर ली 20, इक्वल टू u की वैल्यू 0 है हमारे पास गिवन, प्लस a की वैल्यू 10 गिवन है, एंड टाइम वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, अब 20 इज इक्वल टू 10t। अब यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू t, 10 टू द 20, इट मींस t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकंड। यूनिट यहां पर आपको ध्यान रखना है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना था वेलोसिटी एंड टाइम। तो हम बोलेंगे द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर 2 सेकंड्स। ओके,
आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 मोशन का, क्लास 9। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।